मर्जी हो और इंदौर से लेकर यहाँ तक सकलो जगह रुका। एक बहुसंख्यक भीड़ जो रोड पर जमा थी उसका यही कहना था कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसी बात पर टिकी हुई है कि जो पीड़ित परिवार है या आम जनमानस है उसका संतुष्टिकरण बहुत जरूरी है। इसको तो कोर्ट भी कहता है कि पीड़ित अगर संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय नहीं हो सकता। तो पीड़ित परिवार जिस मैं भी पीड़ित परिवार से मिला हूँ वो जो भाई अभागा भाई जो बहन और उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद मुझे भी लगता है उनकी मांग भी है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो जाए क्योंकि मैं पूरे देश के लोगों में से संदेश प्राप्त करता रहता हूँ। तो ये चर्चा आज यहाँ नहीं बची है, ये पूरे देश में चली गई और पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एक परिवार के 5-5 लोगों का मर्डर हो गया है और 40 दिन तक गोली भी बरामद नहीं हुई। पुलिस अपराधी जो अपराधी है वो पुलिस के साथ घूम रहा था और पुलिस जो है अपराधी पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी को कह रहे थे कि ये ढूंढ तो देंगे आप अपने काम पर चले जाओ, यानी कि इसमें षड्यंत्र। उस जिस 48 दिन जहां ये सब चीज़ें हुई हों ऐसे अयोग्य थाना अध्यक्ष पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ के सर्किल अधिकारी भी कार्रवाई नहीं। क्या आदिवासी दलित जो हैं ये कीड़े मकोड़े हैं कि इनकी हत्या करना जो है कोई अपराध नहीं है? और अगर 4-5 सामूहिक हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे जो अयोग्य पुलिस अधिकारी उनकी क्या जरूरत है जिनके राज में हो रही है? जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी मांग भी है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की घोषणा करें और इसमें सीबीआई जांच हो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि आम जनता जिसमें डर का भय का माहौल व्याप्त हो गया है, जो कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि वो तो प्लान करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर प्रदेश से लोग प्लान करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो दुखद है। और जो अभी मुझे बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट सब चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों में क्योंकि रहता हूँ लॉयर होने की वजह से मैं जानता हूँ कि 72 घंटे के बाद तो जीवित व्यक्ति से जीवित जो है जो पीड़ित है उससे पुष्टि नहीं होती, बलात्कार की सब चीज़ों की, और पुलिस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। हम तो देखते हैं 48 दिन बाद जो बॉडी मिली है और जिस तरह से वहाँ बताया गया कि भाई वहाँ नमक डाला गया, यूरिया डाला गया और भी कोई केमिकल शायद डाला हुआ जिनका इतना अच्छा प्लान था, तो क्यों नहीं वो एविडेंस नष्ट किए होंगे? तो एविडेंस टेम्परिंग का मुकदमा भी होना चाहिए और सेक्शन 4 का मुकदमा इन अधिकारियों पर होना चाहिए जो यहाँ बैठे हुए चैन से सो रहे हैं। वो तो परिवार डर के साए में है, उस परिवार की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, अपराधियों को सबसे सख्त सजा हो, सीबीआई जांच हो और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने न्याय को प्रभावित करने का काम किया, जो नेता इसमें इन्वॉल्व है उन पे भी जो है शिकंजा कसा जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो ये समझे कि सरकार में न्याय भी होता है। और अगर ये नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है ये आदिवासी और दलित विरोधी है और ये कभी नहीं चाहता कि न्याय हो आदिवासियों के साथ। ये अपराधियों का जो फोटो वायरल हुआ था क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री के लड़के के साथ में, इसमें आप किस नजर से? देखिए अगर 48 दिन तक अपराधी जो है खुला घूम रहा है तो अगर हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि उसको अपराधी के साथ घूमते हुए उसको पता नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि हमने उनको शक जाहिर किया था कि इस व्यक्ति द्वारा ये हो सकता है। और फिर उस व्यक्ति के हौसले तो देखिए, उस पीड़ित बच्चे ने मुझे बताया कि वो हमसे भी कह रहा था कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, किसी बाबा के पास जाके पता करके आएंगे, वो बता देंगे कि वो लोग कहाँ हैं। यानी कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया प्री प्लानिंग और फिर उसको छिपाया गया, तो इसका मतलब ये अकेले कुछ लोगों का तो काम नहीं है। 4-4 लोगों के खिलाफ और उन्होंने शक जाहिर किया, उन पर कार्रवाई तक नहीं हुई, मेरी पूछताछ के लिए भी बुलाया। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिलेगा और मैं इस बात को पूर्ण बेहतर तरीके से समझता हूँ कि अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो वह अन्याय बढ़ेगा। कल किसी और परिवार के साथ होगा तो हम आज इसलिए लड़ रहे हैं कल किसी और परिवार के साथ ये ना हो, और ऐसी कानून व्यवस्था क्या फायदा जो न्याय नहीं दिला सकती? इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारी कर्मचारी किस लिए हैं? और अगर इन पर दबाव है तो ये मामला हम कहीं और ट्रांसफर करवा लेंगे। हम तो चाहेंगे ये दिल्ली आए मामला और वहाँ इसकी जांच हो और वहाँ ही कोर्ट में चले, तो हम इन सबको ले चलेंगे वहाँ दिल्ली तिहाड़ में। और वो बता रहे हैं आप आरोपी जो है देवास जेल में, ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों को देवास जेल में क्या इसको सेंट्रल जेल में रखना चाहते हैं इंदौर? तो जिनको सत्ता का संरक्षण है वो तो वहाँ भी मौज में होंगे, मर तो हमारे लोग नहीं है। मैंने कहा कि वो तेजाब और वो यूरिया और वो नमक जो है उन बच्चों को नहीं है, वो हमारे पूरे समाज के ऊपर फेंका गया है और हम इसको इस दर्द को भूलेंगे नहीं जब तक उनको सजा।
आपके आपके सम्मेलन में इतनी बार बार आई कि मीडिया ने सहयोग नहीं किया, जबकि स्थानीय मीडिया ने ही इस मामले को उठाया था। मैं स्थानीय मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ अगर नाली का वो भी हट जाए तो भी चर्चाएं होती है, डिबेट होती है। अगर कोई कोई स्टेटमेंट दे तब डिबेट, लेकिन 55 लोगों की हत्या हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, वो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या मानव अधिकार आयोग कहाँ है आज? सारे नेशनल न्यूज चैनलों पे ये खबर चल रही है। महिला आयोग कहाँ है? और अगर चल रही है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ गया? मुख्यमंत्री किसको बचाना चाहते हैं आखिर? क्यों सीबीआई जाँच की मांग नहीं कर रहे जब पीड़ित परिवार चाहता है? क्यों उसके ऑर्डर नहीं कर रहे? तो मैं समझता हूँ कि मीडिया, जिन मीडिया के साथ धन्यवाद जो मदद की, जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए, उनका धन्यवाद करते हैं। और जो मीडिया के लोग किसी दबाव में नहीं कर पा रहे, मैं उनसे भी कहता हूँ कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो इन घटनाओं को जनता के पटल पर रखे और सरकारों से सवाल करे, जिससे कि न्याय सुनिश्चित हो सके। सर, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्राइम कितने, क्या अंतर लगता है आपको दोनों प्रदेश में? नहीं, मुझे लग रहा है कि अयोग्य मुख्यमंत्री जहाँ भी होगा वहाँ तो क्राइम हो गए। जहाँ ऐसी सरकार होगी जो इस क्राइम को क्राइम नहीं मान रही है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, क्या इस आदिवासी परिवार के कीड़े मकोड़े समय रहे जो उनके पास मिलने आने का समय नहीं है? तो शादियों में जाते हैं, ब्याहों में जाते हैं, एक मंत्री नहीं मिलने आता? एक मंत्री आज आया तो क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है तो मिलने आ गया, तो मिलने आके क्या करोगे? न्याय कौन देगा? तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी और कहीं कोई और राजस्थान कोई सा प्रदेश हो, अन्याय तो सब जमा हो रहा है। देखिए, बहुत कुछ सामने आया। मैं बहुत सारी बातें मीडिया के सामने नहीं कहता, अपराधी सतर्क हो जाएंगे जी। लेकिन हमने हमारे लीडर्स उनसे समाज में चर्चा की और एक बड़ा आंदोलन जो है इस पर चले, किसी भी कीमत में हम अपराधियों को नहीं घूमने देंगे। और मुख्यमंत्री अगर ये सोचते हैं कि वो चैन से प्रवेश होंगे और हम यहाँ रोएंगे खून के आंसू, नहीं, हम उनको भी चैन से नहीं सोने देंगे। हमारी लीडरशिप जो तय करेंगे आंदोलन, तो मुझे मुझसे भी जो उम्मीद करेंगे, अगर मुझे दोबारा बुलाएंगे तो मैं भी रहूँगा। मगर मैं अब कल दिल्ली से, हमने तय किया कि हम अपनी लीडरशिप से बात करके जल्दी जो है मध्य प्रदेश गांव का घिराव करेंगे दिल्ली में, और जो बाकी यहाँ जो भी आंदोलन होगा वो यहाँ की लीडरशिप जो तय करेगी हम उसके साथ करेंगे। सर, आपके और यहाँ के कार्यकर्ताओं, जेएस पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई, सर आगामी क्या तैयारी आपकी? यही चर्चा है कि अकेले अकेले क्यों मरे जब लड़ाई एक है, रास्ता एक है, और जब एक जैसे लोगों से पीड़ित हैं और अधिकार एक जैसे लोग छीन रहे हैं तो क्यों नहीं मिलकर लड़ रहे हैं? और ये जो पीला गमछा आप देख रहे हैं, मैं तो हमेशा बहुजन एकता पे हुआ है, तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब अपनी लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे, ऐसे इकट्ठा होकर। मैंने तो वहाँ भी मुट्ठी बंद करवाई थी ऐसे कि हम एक हैं और हमें एकजुटता से इस सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा राज नहीं तो हमें सहना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर हमारे लोग तैयार हो जाए मध्य प्रदेश के, तो यहाँ राज भी बदल सकता है। धन्यवाद मीडिया के सभी साथियों का, और आशा उम्मीद करूँगा कि इस मामले में जैसे जो आगे होगा आप उसको उठाते रहेंगे, जिससे कि एक परिवार को न्याय मिले, क्योंकि ये बहन बेटी पर किसी और की भी हो सकती है। सर, अभी कुछ समय पहले सर एक लोग एकत्रित हुए थे संगठन के, सर वहाँ पे मीडिया के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे और मीडिया का विरोध किया गया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को ये जानकारी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि विरोध है जनता का, और ये कभी कभी नेताओं को भी सहना पड़ता, मीडिया को भी सहना चाहिए, क्योंकि बड़ी घटनाएं जब होती तो जनता के अंदर आक्रोश होता है। सर, लेकिन मगर मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं आपका, और मैं दोबारा भी धन्यवाद कर देता हूं आपके सहयोग के लिए, इस पहल के लिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, मीडिया के लोग, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, सीबीआई की ईडी वाले आ जाते हैं, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, आईबी वाले